हाई गारंटी बोलता हूँ मेरा नाम भी स्मार्ट है, तो उसमें आप मेरे को लिख देना भैया सल्यूट है भाई, आपने बहुत बढ़िया बताया था। तो दोस्तों आपके वीडियो पे भी 1 या 4, 500 या 5, 6 व्यू आते हैं, उसके लिए खास वीडियो है ये। अगर वीडियो पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करें। तो मैं 5 से 6 टिप्स बताने वाला हूँ आपको किस तरीके से वीडियो वायरल करवाना है। आप बोलेंगे भैया आपके ही ऐसा है, खुद प्रूफ है मेरे पास। वीडियो को आखिरी तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, स्किप ना करें, वीडियो को जरूर आखिरी तक देखें। पहला टिप्स है, एक नया यूट्यूब चैनल बनाइए, पहले तो अभी बनाइए, इस वीडियो को देखने के बाद नया यूट्यूब चैनल बनाइए और उस चैनल को किस सब्जेक्ट पे ले जाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को लिखिए, वो टाइटल लिखिए, वो चैनल का नाम लिखिए पहला तो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, आप बोलोगे भैया कि चैनल का टाइटल लिख दिया हमने, ये मैंने केवल शॉर्ट के लिए बता रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट से ही लाखों करोड़ों लोग जो है पैसे कमा रहे हैं कि भैया मैं कहीं जा रहा हूँ, मैंने छोटा सा क्लिप बनाया, मैं इसको डालना चाहता हूँ, उसके लिए जो छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, जो छोटे छोटे सब्जेक्ट के साथ बनाते हैं, या 30 सेकंड का रहता है, या 60 सेकंड का रहता है, या 40 सेकंड का रहता है, 60 सेकंड 40, ये वीडियो बनाते हैं, तो उनके लिए खास है। पहला एक चैनल बनाइए। अब मैंने चैनल बनाने के तरीके मैंने YouTube पे बता रखा है, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर चैनल पे जाए और उसको देखे पूरा कि किस तरीके से YouTube चैनल बनाते हैं। तो पहला आप अपना जो है एक YouTube चैनल बनाइए, अच्छा सा नाम रखिए आपको जो लगता है, या आप ये नहीं कि एक हाई लेवल का एकदम बहुत बड़ा हमने सोचा है उस पर नाम रखेंगे, ऐसे नहीं, आप कुछ भी नाम रख दीजिए, मतलब जिस सब्जेक्ट पे बनाना चाहते हैं आप, हो सके तो अपना नाम रख लीजिए, ठीक है। अब नाम क्यों रखना है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, आपको बहुत ज़रूरी होने वाला है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो पहला आप अपना चैनल का नाम लिखिए, चैनल का नाम लिखिए और एक चैनल बनाइए। दूसरा है रेगुलेटरी, यानी आप एक कंटिन्यू अपडेट रहना चाहते हैं यूट्यूब पे, कंटिन्यू रहना चाहते हैं, या आप 4 दिन का जोश है और 5वें दिन हमने डाला ही नहीं, छोड़ दो यार, अब मन भर गया, मज़ा नहीं आ रहा है यूट्यूब पे, ये नहीं करना है, कंटिन्यू डालना है उसको। तीसरा है हमारा कैटेगरी, कि किस कैटेगरी का आप वीडियो बनाते हैं। अगर आप वीडियो डालते हैं, अगर आप पुराने यूट्यूबर हैं तो आपको पता है कि कैटेगरी किसे कहते हैं। कैटेगरी उसे कहते हैं कि किस सब्जेक्ट पे आप वीडियो बना रहे हो उसको सिलेक्ट कीजिए। आप जाते हैं जब वीडियो अपलोड करते हैं और नीचे लिखा जाता है कि कैटेगरी चूज कीजिए कि आप किस तरीके से वीडियो बनाते हैं, तो वहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अब बोलोगे उस तरीके से मेरा ऑप्शन तो है ही नहीं, कोई इशू नहीं, आपको जिस लगता है कि भैया मैं स्कूल पर बनाया तो स्कूल पर रखिए, उस पर एजुकेशन पर तो एजुकेशन रखिए, अब जिस तरीके से आप वीडियो बनाते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए, और किस तरीके से वीडियो अपलोड करना है, क्या टाइटल यूज करना है, क्या आपको स्क्रिप्ट में क्या क्या लिखना है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, उस वीडियो को जरूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एकदम जागरूक कर देगा वीडियो को डालने के लिए, और आपको टेक्निकली आपको सिखा भी देगा कि किस तरीके से मुझे वीडियो डालना है डेली के डेली, ठीक है। तीसरा चौथा है अपलोड सेम टाइम। ऐसे कुछ लोग क्या होते हैं कि भैया एग्जांपल के लिए मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि मैं कभी 12 बजे भी डाल देता हूँ, कभी 11 बजे डालता हूँ, कभी 2 बजे डालता हूँ, कभी शाम को 8 बजे डालता हूँ, तो इस तरीके से नहीं करना है यार, मत करिएगा, मत कीजिए इस तरीके से वीडियो अपलोड मत कीजिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो। आप 2-3 अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं, 2-3 वीडियो सुबह शाम डालिए, पहला ऑप्शन इसका। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वीडियो के टाइमिंग देखिए कि मेरा वीडियो किस टाइम कौन सी पब्लिक कितना देख रही है, उस हिसाब से वीडियो डालिए। मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि भैया शाम को भी डाल देते हैं, दोपहर में डाल देते हैं, कभी भी डाल देते हैं, ऐसा मत कीजिए, आप शाम को वीडियो डालिए 7 बजे करीब, ठीक है, और उसको डाल के एक बार, छठा बता रहा हूँ मैं आपको, आपको क्या करना है, जैसे हमने वीडियो डाल दिया शाम का, आपका जो सुटेबल टाइम रहा उस टाइम के हिसाब से आपने वीडियो डाल दिया, उसके बाद अपने वीडियो को देखिए पहले,
कि आपने वीडियो किस तरीके से बनाया, कि आपके दिमाग पे वो भा रहा है वीडियो या आपको अच्छा लग रहा है, उस वीडियो को जरूर देखिए, 2-3 बार देखिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि वीडियो अपना नहीं देखना चाहिए, डीमोटिवेट हो जाता है, ये डीवैलिड हो जाता है, ये लो हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको डाउट है तो आप दूसरे के फोन में जाके देखिए वीडियो, एक बार खुद अपने आप को वीडियो देखिए, मेरे को वीडियो कैसा लग रहा है, किस तरीके से मैंने अच्छा बनाया कि नहीं बनाया, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। उसके बाद आप छोड़ दीजिए उसे, 4-5 दिन छोड़ दीजिए, अब उस पर इग्नोर कर दीजिए, उस वीडियो डालने के बाद इग्नोर कर दीजिए, आप उसको जो है सिंपल तरीके से नेक्स्ट वीडियो की तरफ ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो है शॉर्ट वीडियो वायरल होता है। अब लॉन्ग वीडियो को मैंने पिछले वीडियो में बताया, लेकिन डिस्क्रिप्शन की तरीके से एक डिस्क्राइब तरीके से मैंने नहीं बताया, तो मैं अगला वीडियो में जरूर बताऊंगा। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन जरूर डाल दें, ताकि हमारा वीडियो आते रहे तो आप जरूर देख सकें, इसको अपने दोस्तों के साझा करें। तो इस तरीके से आप वीडियो डालते हैं नए चैनल बना के, तो भाई गारंटी बोलता हूँ, मेरा नाम वी स्मार्ट है, यानी खुर्शीद बोल लो, वी स्मार्ट चैनल पे काम करता हूँ, तो उसमें आप मेरे को लिख देना, भैया सल्यूट है भाई, आपने बहुत बढ़िया बताया था और मेरा चैनल अब ग्रोथ हो चुका है, आपसे भी आगे जा चुका हूँ मैं। तो यार हमारे आशीर्वाद है, बने रहिए ऐसे ही और वीडियो देखते रहिए, और आप ज़िंदगी में इतना ग्रोथ कीजिए कि बहुत आगे चले जाएंगे आप, चले जाइए इतना आगे कि ऊपर से देखो तो आप बहुत छोटे से दिखे और हम भी बहुत छोटे दिखे। तो वीडियो इस तरीके से डालिए, लॉन्ग वीडियो को मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके से कैसे टाइटल डालना, किस तरीके से कैसे टाइटल के बारे में तो मैंने बता रखा है किस तरीके से कैसे क्या करना है। तो इस वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, जो यूट्यूब में इंटरेस्ट लेते हैं, जो वीडियो बनाने में इंटरेस्ट लेते हैं या चाहते हैं एक नया स्टैंडर्ड खड़ा करना, तो उसको जरूर उसको साझा कीजिए, उसको शेयर कीजिए, साझा मतलब शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।